तो फाइनली गाइस यार कूलर को साफ ही कर रहे थे और पापा क्या निकले अंदर से, अंडे छिपकली के, छिपकली के अंडे निकले। एंड देख लो मैं कह रहा हूँ भाई 10 रुपए की सेल लगी हुई है, आके एक के साथ एक फ्री ले सकते हो, है ना मम्मा? ऐसा नहीं है, करते हैं और फील ऐसा आ रहा है जैसे कि भाई स्टारबक्स की कॉफी हो, सो ये पीते हैं एंड देन आपसे बात करते हैं। एक बार स्माइल कर दो भैया, हेलो कर दो, स्माइल देख लो भैया की क्या ही मस्त है। ठीक है भैया जी, लो भाई यार 15 साल पुराना कूलर देख लो यार, आज चल पड़ा है। पापा कैसा लग रहा है? फिर बढ़िया लग रहा है, ठंडी हवा डालता था, ठंडी हवा फेंकता था। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह ना धो के एकदम से रेडी हो चुका हूँ। और गाइस यार आपको दिखा देता हूँ अभी का टाइम क्या हुआ है ना, अभी 10:38 एंड आपको बता दो यार 10:40 अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं यार। आज थोड़ा सा व्लॉग डिले हो चुका है यार, स्टार्ट डिले हुआ है, बट गाइस यार आपको बता दो यार आज तक कोई भी व्लॉग डिले नहीं आया, ऑन द टाइम आएगा। प्रीवियस व्लॉग भी आ ही चुका होगा अब तक तो यार, और होप करता हूँ आप सबने अच्छी तरह एंजॉय कर लिया होगा भाई कुरुक्षेत्र वाला व्लॉग। एंड आपको बता दो यार आज का व्लॉग थोड़ा सा डिले क्यों स्टार्ट हुआ, मेन रीजन ही इसका ये है भाई, कल 7 से लेके 8 घंटे की ट्रैवलिंग रही, सो इसलिए यार थोड़ा सा डिले होगा। बट गाइस यार अभी फुल पावर स्टार्ट कर दिया है। एंड आपको बताता हूँ यार अभी का सीन क्या है ना, घर का सीन क्या है सुबह सुबह का, ये देख लो यार हमारे घर पे भाई कपड़ों की सेल लगी हुई है यार, कोई भी ले सकते हो 10 रुपए में, एक पे एक फ्री है। बहुत सारे कपड़े जितना चाहे मन भर के ले लो। एंड आपको दिखा दो भाई घर थोड़ा अभी भी अस्त व्यस्त है, बट गाइस यार रियली थोड़ी देर बाद यार सेट हो जाएगा, एकदम क्लियर कर देंगे। एंड अभी का मौसम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रहा है भाई, एकदम बढ़िया हो रहा है यार बाहर का मौसम, अभी यहां से देख लो यार, वरना बाहर तो चलेंगे यार। दो ऑप्शन है यार, या तो पार्क भी जाएंगे आज शाम को या राइड पे जाएंगे, जब भी जाएंगे यार मौसम तो क्लियरली आपको दिख ही जाएगा ना। और अभी साइड कौन है यार, मम्मी अपने साइड, और मम्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एकदम फाइन मम्मा, आप बताओ थकावट है अभी कल की या नहीं? कुछ भी नहीं है। और आपको बता दूं गाइस मम्मी बहुत ज्यादा जल्दी उठ गई थी, मम्मा हमें भी कोई ट्रिक दे दो जल्दी उठने की, हैबिट बनाओ, हैबिचुअल हो जाओगे। एंड गाइस आपको एक और सीन बता दूं यार, मैं भी जल्दी ही उठ गया था यार, 4 बजे उठ गया था, सुबह ही एडिटिंग डन की थी, वो कहते हैं ना भाई दोबारा वाला सीन हो गया, दोबारा सो गया एडिटिंग करके, सो कुछ ऐसा सीन हुआ था यार। कपड़े सेल वाले, कपड़े सेल पे हैं, नहीं है, धुले में है, सेट करूंगी सेट करने हैं। पर गाइस मेरे हिसाब से तो यार बहुत सारे कपड़े हैं ना, सो मैं कह रहा हूँ भाई 10 रुपए की सेल लगी हुई है, आके एक के साथ एक फ्री ले सकते हो, है ना मम्मा? ऐसा नहीं है। एंड गाइस आपको दिखा दूं यार मंदिर में अभी तक जोत नहीं जगी है, सो मैं जगाता हूँ गाइस, अभी जोत जगाने वाले गाइस मंदिर में। और देख लो यार कितना ज्यादा क्लीन हो रहा है एकदम मंदिर, बहुत ज्यादा मम्मा आपने करा क्लीन? हाँ एंड देख लो गाइज आप ही देख सकते हो भाई एकदम क्लीन पड़ा यार मंदिर, बहुत ज्यादा सही लग रहा है यार। सो अभी जोत जगाते हैं, पहला काम तो यही यार जोत जगाना, नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ ना, सो जोत जगाता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ भाई सीन क्या है। तो फाइनली गाइस यार जोत एकदम अच्छी तरह से जगा दी है और यहाँ पे पापा भी आ गए। हाँ जी पापा जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, कहाँ से आए हो पापा? एकदम बाहर से आए हो अभी? दादू के यहाँ गया था, दादू को मतलब तबियत पूछने के लिए। हाँ थोड़ा काम भी था और तबियत भी पूछा है। एंड गाइस पापा गुड मॉर्निंग, भगवान जी का तो आशीर्वाद ले लिया, आप भी दे दो पापा। ले दिया। एंड गाइस यार आपको एक और चीज बता दूं, और भी एक सीन था यार, कल रात को मम्मी को एक डरावना सा कहते हैं भाई डेंजरस सा सपना आया, मेरे को पता नहीं यार कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। हाँ जी मम्मा जी क्या सपना था फिर वो? हाँ पानी में आप जैसे स्विमिंग करते हो बाइक लेके तैर रहे थे and, और निकल के कहाँ से कहाँ निकल आए मुझे। एंड गाइस यार आपको बता दो सीन कुछ ऐसा हुआ यार, आपको पता ही यार मैंने एक रिएक्शन वीडियो करी थी अभी बाइक पे, सो उसमें क्या भाई थ्रोटल दे रहा था तेज से रेस दे रहा था, और वही सारा का सारा सीन मम्मी ने एक वीडियो में देखा, वही देखा था यार, और एक वीडियो में देखा भाई सुनामी आ रही है मतलब बाढ़ आ रही है, और ये सारा का सारा सीन है हो गया यार, सारा सीनरी हो गया भाई अपने सपने में, बाढ़ आ चुकी है गोहाना में, और उसमें यार मैं भी हूँ और बाढ़ के अंदर ही भाई मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देख लो उसी को पार करके निकला है हवा। आप क्या कहना चाहोगे पापा, भाड़ में कोई बाइक चला सकता है? चल जाती है सपने, चल जाती है सपने में तो यार कुछ भी चल सकता है ना। एंड गाइस यार ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। हाँ जी उम्मा जी क्या बना ब्रेकफास्ट में? आज है आलू और बूंदी की सब्जी, फीकी बूंदी पकौड़ियाँ, और रात वाली चाप भी है मेरे हिसाब से आपके लिए, चाप भी है। सो गाइस यार ये कुछ सीन है यार आज के ब्रेकफास्ट का, सो बैठता हूँ यार पेट में चूहे दौड़ने वाला सीन हो रहा है, क्योंकि कल रात से यार डिनर के बाद तो कुछ खाया नहीं है मैंने, सो देख लो यार एकदम क्लीन कर दिया अपने घर, डिनर के बाद तो बेटे कोई भी कुछ नहीं खाता, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो फाइनली गाइस यार अभी का सीन क्या है ना, आपको बता दो यार ब्रेकफास्ट एकदम अच्छे से डन कर लिए, और अभी का टाइम देख लो यार 12:08, और आपको बता दो यार अभी घर में क्या चल रहा है ना, यहाँ देख लो यार किचन में साफ सफाई का काम चल रहा है, एकदम सारे बर्तन साफ हो रहे हैं। हाँ जी उमा जी कहाँ चल रहे हैं फिर ऊपर? ऊपर चलती हूँ कबाड़ वाला थोड़ा बहुत निकालते हैं मटेरियल।
एंड गाइस यार आपको बता दो यार, आज थोड़ा फ्री डे है, फ्री तो नहीं भाई, संडे तो नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, वीकेंड भी नहीं है, पर गाइस यार आपको बता दो है तो वेडनेसडे, लेकिन सारा हाँ जी वैकेशन मम्मी की बीत रही है, सो कबाड़ निकाल लेते हैं, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं घर भी। एंड आपको दिखा दो यार पीछे की साइड क्या है ना भाई, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, किस लिए आपको बता देते हो यार, मशीन चल रही है और आप ही सोच रहे भाई रोज के रोज ही कपड़े धुलते हैं, नहीं भाई ऐसा सीन नहीं है। और आज किस लिए धुल रहे हैं ना भाई, वैसे तो वीकेंड को ही धुलते हैं, और आज किस लिए धुल रहे हैं भाई, वेडनेसडे को किस लिए धुल रहे हैं ना, आपको बता देते हो यार, भाई के पास जाना है शायद सैटरडे संडे को, सो दिल्ली में ना, सो उसको यार कपड़े चाहिए, उसके पास कपड़े नहीं है, और सारे थे जो कि मैले हो चुके हैं वो धुल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है ना, उसको कपड़ों की जरूरत है, सो धो लेते हैं यहाँ से एंड उसके लिए ले जाएंगे। अभी ऊपर कहाँ जा रहा हूँ आपको बता देते हो यार, घर में आप बहुत साल पुराना पड़ा हुआ है कूलर है, सो कूलर देखते हैं स्टार्ट होता है नहीं होता, क्योंकि यार पापा को एसी बिल्कुल भी नहीं सूट करता, सो इसलिए यार कूलर को नीचे लेके आते हैं, मेरे हिसाब से 10 साल पुराना है। एंड देख लो यार ऊपर तो यार घर एकदम साफ सुथरा है यार, नीचे भी साफ सुथरा है, लेकिन ऊपर और भी ज्यादा क्लीन दिख रहा है यार, ऊपर की तरफ आ ही चुका था और जबरदस्त वेदर चेंज हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा गर्म वेदर हो चुका है अभी का। और देख लो यार तीन पड़े हैं एंटीक कूलर यार, एक हेरा एक वोरा और थर्ड वोरा, बाबा कितने साल पुराना होगा, लगभग 11-12 साल ज्यादा एंड मेरे को नहीं लगता यार, और लगा के देखे मैं एक बार, सो ट्राई करते हैं, देख लो यार ये रप लग गया, सो देखते हैं यार, ये तो सही चल रहा है। लो भाई यार 15 साल पुराना कूलर देख लो यार, आज चल पड़े पापा, कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है, बड़ी ठंडी हवा डालता था, बढ़िया ठंडी हवा फेंकता था, और अभी देख लो यार कैसा ही मस्त चल रहा है, आजकल की चीजों में वो बात नहीं है, बट ओल्ड इज गोल्ड। एंड गाइस आपको बता दूं यार, पहले पता नहीं यार हम सोच रहे थे चलेगा नहीं चलेगा, नई मोटर लानी पड़ेगी, बट गाइस यार ये चल गया यार, ज्यादा जो खर्चा था ना वो भी बच गया, और इसी को पापा नीचे ले जाए मेरे हिसाब से, इसी को थोड़ा सा सेट करवा लेंगे, सेट करा लेंगे, पेंट भी करा लेंगे, और साइड वाली घास भी चाहिए ना पापा, नहीं गाइस यार अभी का सीन कुछ ऐसा है, कूलर को एकदम खाली कर रहे हैं और फिर इसको धोएंगे, पाइप से धोना पड़ेगा ना पापा, पाइप से धो लेंगे, और देख लो यार अंदर से कितना ही सामान निकल रहा है यार, पुरानी लाइट्स भी इसी में है, और क्या क्या चीजें हमारे इसमें सारी देख लो यार, कितनी ज्यादा मिट्टी हो रही है, सो इसको धो लेंगे यार, और पीछे की साइड देख लो भाई एक डोरीमोन का दरवाजा भी है ना मम्मा, डोरीमोन वाला डोर लग रहा है मेरे को, और पता नहीं यार इससे कहाँ ही पहाड़ों वाली साइड निकल सकते हैं, बाकी वैसे मजाक कर रहा हूँ, और बीच में से एक गेम भी निकला यार, पावर पॉइंट भी निकला यार, बहुत ज्यादा सही लग रहा है मेरे हिसाब से, चालू है ये भी वर्किंग है यार, इसके साथ साथ यार फायदा भी हो गया अपने सेटअप में, कभी कभार क्या भाई ये चाहिए होता है, सो अभी धो लेते हैं यार, एंड देन आपको बताता हूँ सीन क्या है। सो फाइनली गाइस यार कूलर को साफ ही कर रहे थे, और पापा क्या निकले अंदर से, अंडे छिपकली के, छिपकली के अंडे निकले, एंड देख लो यार इसके नीचे टेबल के, टेबल के नीचे गई, और देख लो यार अंडे में से अभी जस्ट निकली यार, देख लो यार न्यू बोर्न है ये छिपकली, देख लो यार अभी पापा मैंने हटाया था ना अंडा, बस उसके अंदर से निकली, देख लो यार एंड देख लो यार एक एरी भाई, एक ये देख लो यार अंडे के साथ ही चल रही है भाई, पैर पे अंडा भी चिपका हुआ है इनके, अभी जस्ट हुई है गाइस, अभी बर्थ हुआ है इनका, और देख लो यार दो निकले हैं, और भी बहुत सारे अंडे थे, और देख लो यार यहाँ पे टूट चुके हैं यहाँ पे भी। तो फाइनली गाइस सीन अभी का कुछ ऐसा है यार, 2 घंटे हो गए कूलर को धोते धोते, और अब देख लो यार सारी चीजें एकदम, फ्लोर भी यार कूलर भी सामने यार धूप पे रख दिए सूखने के लिए, और यहाँ देख लो उसकी पंखड़ियां भी सूखने के लिए, सारी चीजें सूख रही है यार, और यहाँ पे फ्लोर भी देख लो एकदम अच्छी तरह सूख रहे हैं यार, फ्रिज के ऊपर वाला कपड़ा भी सूख रहा है, एंड पूरा का पूरा फ्लोर भी धो चुके हैं यार, और बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, अभी कुछ नीचे जाके खाते पीते हैं यार, क्या खाते पीते हैं आपको बताता हूँ यार साथ साथ, और अभी का टाइम देख लो पहले तो यार 1:46, हाँ जी पापा जी हो गया सारा काम फिर, एंड देख लो यार सारे के सारे एकदम कहते हैं ना भाई काम वाले बने खड़े यार आज के दिन, तो सारे के सारे यार और सारा काम अच्छे से निपटा दिया यार, नीचे चलते हैं, हाँ जी अम्मा जी हो गया सारा काम, अब थक चुके हैं, और तैयारी किस चीज की है मैं आपको बता दूं यार, अपने घर जूसर तो है ही, और मम्मा क्या मौसमी का जूस बनाना है फिर, और ठंडी मौसमी है कि गर्म है मम्मा, ठंडी ठंडी है, सो यार मौसमी का जूस एंजॉय करते हैं। फाइनली गाइस यार सीन कुछ ऐसा है यार, 7 मौसमियां मतलब कहते हैं ना उनका यार भरथा निकल चुका है सामने की साइड है ना पापा, और उससे एक गिलास तैयार हुआ है, पर है तो पूरा पड़ा ना पापा, ये पड़ा है लेकिन मजे वाली बात नहीं है बेटा, तो दूसरा वाला जूसर अच्छा होता है ना पापा, और ये कलसी है ना पापा मेरे हिसाब से, एंड देख लो यार 7 मौसमी से यार ये कुछ जूस निकला है पापा, एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा है, अच्छा है ना जूस तो अच्छा निकले, बट गाइस यार क्या है ना बहुत सारी मौसमें लगी है, और उसमें एक गिलास बने, और बनने कितने चाहिए थे पापा इसमें, दो तीन तो बनने ही चाहिए था मेरे हिसाब से, सो गाइस पीते हैं यार ये एंजॉय करते हैं, और फील ऐसा आ रहा है जैसे कि भाई स्टारबक्स की कॉफी हो, सो ये पीते हैं एंड देन आपसे बात करता हूं। सो फाइनली गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है यार, दिखा देता हूं आपको सीन क्या है भाई, टाइम देख लो यार अभी का
चार बजने वाली है अप्रोक्सीमेटली, और अभी क्या है ना भाई, लंच का भी टाइम हो रहा है, सारे थक चुके हैं भाई, एकदम थक चुके हैं भाई, काम वाम करके एकदम। हाँ जी मम्मा जी, कपड़े समेट लिए सारे के सारे? चल रहा है बेटे, अभी भी थोड़ा रह रहा है काम। और पापा जी कूलर आ गया नीचे? मैं तो गया थक बहुत ज्यादा। और गाइस अभी क्या है ना भाई, सारी की सारी डिमांड किया भाई, सभी सोच रहे हैं कि बाहर से कुछ ले लिया जाए, और मेरे हिसाब से पेटीज बेस्ट रहेगा पापा। पेटीज ले आओ बेटा। सो पेटीज ले पीछे वाली बेकरी से। हाँ वहीं से देख लो बेटा, मिल जाएंगे फिर भी वो सब। और आपको एक और चीज दिखा देता हूँ भाई, ये रही भाई घास फूस जो भी होती है भाई कूलर के साइड में लगने वाली। और यहाँ पे देख लो यार, कूलर भी आ चुका है, और मेन तो पापा जब एकदम रिजल्ट दिखेगा अगर ये चालू हुआ तो नीचे आके। सो चलते हैं गाइस यार, बाहर चलते हैं, पेटीज ले आते हैं, एंड अपने बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सो भूख पूरी करते हैं एंड पेट को एकदम से भरते हैं यार। और नहा धो के एकदम तैयार नहीं हुआ भाई, दूसरी बार नहाना रहता है यार, पहले बाहर चलता हूँ यार, एकदम पास में ही बेकरी यार, पहले चाबी उठा लेते हैं बाइक की एंड देन चलते हैं। देख लो यार बाहर निकलते हैं यार, मुंह की सामने की तरफ बैठे यार, एंड देख रहे हैं यार व्लॉग कैसे ही बना रहे हैं यार, और मेरे पास ना आ जाए भाई, और तेज बोला पास ही आ जाएगा यार, और वरना लगे यार कि पेटीज लेने जा रहे हैं, एंड रास्ते में काट गया अपनी बाइक यहाँ खड़ी है यार, निकल तो पड़ा हूँ यार, और भी बहुत सारे मंकी पाएंगे पीछे की साइड मेरे हिसाब से यार। और अभी देख लो यार, अपनी साइड ही देख रहे हैं यार, और चलते हैं गाइस मेरे हिसाब से सारी की सारी पेटीज लेने चलते हैं यार, बिल्कुल पास में बिकती है, सो बाइक को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं गाइस, लेट्स गो गाइस। सो फाइनली गाइस सीन कुछ ऐसा है यार, गली से बाहर आई गए थे एकदम बैक साइड में, अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, और यहाँ पे देख लो यार एकदम बेकरी है यार, सारी चीजें हैं, फैन भी है, रस भी है, और सारे बिस्किट्स भी हैं। पूछते हैं यार, हाँ जी भैया पेटीज मिल जाएंगी? गाइस यार बचपन में ये वाली चीजें बहुत खाई हैं, देख लो यार सामने की साइड क्रीम रोल भी है, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने भी खाए हो यार, मेरे हिसाब से सब लोगों ने खाई होंगे यार। हम ना यार यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं यूट्यूब, एक बार स्माइल कर दो भैया, हेलो कर दो यार, स्माइल देख लो भैया की क्या ही मस्त है, ठीक है भैया जी। सो लंच में तो आज कुछ बना नहीं था, सो पेटी सिखाते हैं जो ले आए थे, एंड देन आपको बताता हूँ भाई सीन क्या है। अपनी स्माइल भी बना दी है, और स्माइल वाला सॉस से स्माइल बना दी है, सो स्माइल करो एंड पेटीज खाओ। सो फाइनली गाइस यार जस्ट घर से बाहर ही निकले हैं, घर को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है यार, आपको बता दो यार कितने ही दिन हो गए यार राइड करे, एंड एक बार चारों साइड से व्यू दे देता हूँ यार बाइक का कैसी है भाई, मेरे हिसाब से चमक ही रही होगी भाई, तीन चार दिन पहले ही धुलवाई थी यार, सही लग रही है यार, एकदम सही है, परफेक्ट है मेरे हिसाब से, एंड आपको लेके चलते हैं यार, आज कई दिनों के बाद सिटी की राइड करने जा रहे हैं, एंड देख लो यार बाइक का व्यू ले लो एक बार, एकदम सही है यार। और आपको बता दूं यार रोहतक में थोड़ी सी यहाँ लगी थी यार आगे वाले मड गार्ड पे, बट मेरे हिसाब से ठीक है यार, एंड लाइट इज ऑल्सो ऑसम यार, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक लग रहा है मेरे हिसाब से तो यार। सो चलने के लिए एकदम रेडी यार, एक बार क्या है ना भाई कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन चलते हैं यार। इसका ही देख लो यार दूर से कितना ही मस्त लग रहा है यार, एकदम ऑरेंज वाला वेदर कहते हैं ना भाई, ऑरेंज पिंकिश व्यू है, तो ऐसा ही कुछ सीन है यार। सो चलते हैं यार, थोड़ी बहुत बाइक भी खींचते हैं यार, और आपसे थोड़ी चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड देख लो भाई कोई नया ही घर बन रहा है यार, सही लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। सो थोड़ा सा खींचते हैं, आपको एग्जॉस्ट नो सुनाता हूँ यार, होप करता हूँ आज वाली राइड बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहे, बहुत ज़्यादा सही रहे यार, आपके लिए भी मेरे लिए भी, और एकदम सेफ रहे। एंड यहाँ देख लो यहाँ पे आपको हमेशा टूरिस्टर मिलेंगे यार, यहाँ पे हमेशा बंदे मिलेंगे यार जो कि यार ट्रैवल कर रहे होते हैं ना भाई, हम भी इसी लोकल स्टैंड पे आए थे यार जब जा रहे थे ना परसों के दिन यार कुरुक्षेत्र में, सो यहीं से ले लेते थे बस, बस मिल जाती है आराम से यार, ये नहीं पता भाई कौन सी पार्टी है कौन सी टीम है, बट देख लो यार पुलिस वुलिस की जिप्सी एकदम फुल लेवल चल रही है यार, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर चल रही है यार पुलिस की आज तो, एंड इनकी स्पीड देखी है यार आपने, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो सारा काफिला चल रहा है गाइस, सही बता रहा हूँ यार, एंड ये सिर्फ वॉच के लिए आए हैं मेरे हिसाब से यार, सारों के सारों ने पगड़ी वगड़ी बांधी हुई है एंड सही लग रहा है यार। और चलते हैं गाइस यार आगे की तरफ, एकदम देख लो यार सीन वीन देख ही सकते हो यार, पॉपुलेशन देखो यार, चेक करो गाइस इतना सारा काफिला कार्स का, ऊपर से देख लो यार लोग कितने हो रहे हैं यार, सेक्टर में पहली बार ऐसा हुआ है यार, वरना आपको लगता ही है मतलब लगता क्या भाई दिखता भी होगा एकदम ब्लैंक रहता है यार ऑलवेज की तरह, और आज यहाँ पे इनोवा क्रेटा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की ऐसी लाइन लगी हुई है ना तगड़ी वाली यार, क्या ही बताऊँ आपको, देख लो यार। और आगे दोबारा हुई है वापस, कल तो दूसरे वाले भाई थे शायद, और एक ही कर दो भैया, हाँ जी एक ही कर दो भाई, दिल्ली चलेंगे भैया, हाँ जी एक्चुअली सीन क्या ना गाइस, भाई तो जा चुका है दिल्ली, सो मैं ही आया हूँ यार, मैं पी लेता हूँ, भाई की कमी तो हमेशा महसूस होती है पर क्या ही कर सकते हैं ना भाई, थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड वर्क था सो भैया को बता ही दिए यार, एंड भैया ऑलवेज की तरफ अमेजिंग है यार, सो लेते हैं नारियल पानी ग्रैब करते हैं एंड देन आपसे बात करता हूँ भाई सीन क्या है। गाइस फाइनली यार कई दिनों के बाद राइड से अच्छी तरह घर पे वापस आ चुका हूँ, और डिनर का भी टाइम हो चुका है, देख लो यार डिनर में आज बना क्या है,
सिंपल माँ छोले की दाल है, साथ में यार बूंदी की सब्जी भी है और साइड में यार सिंपल चपाती भी है, यहाँ पे सैलेड भी है। एंड गाइस यार होप करता हूँ आज वाला व्लॉग आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।